दोस्तों ये है 300 सीसी एयर कूल इंजन, पहले वाले से बड़ा इंजन है, अच्छी परफॉर्मेंस है सारी की सारी। मैं चलिए आगे से इन्हें स्टार्ट करता हूँ। सारी की सारी आप देखेंगे एलईडी लाइट्स हैं, सारी आगे भी नीचे भी बहुत ही बढ़िया, और उसमें एलईडी हैं। आप देखेंगे एयर बैग सस्पेंशन है दोनों तरफ एयर बैग सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक्स है, सारी डिस्क ब्रेक्स है, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स है, आगे भी डिस्क ब्रेक्स है। यहां पर आप देखेंगे ये लग्जरी एयरबैग सस्पेंशन है। देखिए आप ब्लॉक टायर्स हैं, वैसे ही बढ़िया वाले, अच्छे वाले, जो कि आपके ऑफ रोडिंग में, ऑन रोडिंग में हर जगह ना चलते हैं। आप इसके ये देखिए ना ब्लॉक कितना बड़ा बड़ा मोटा मोटा ना ब्लॉक है देखिए, और ये वही टायर्स हैं जो कि आसानी से ना पंचर भी नहीं होते। दोस्तों जो कि सबसे बढ़िया ना बात है, मैं आपको दिखाना ना चाहूंगा, सारी की सारी ना डिस्क ब्रेक्स हैं। आप ये देखिए इसका मीटर का, अब आप देखिए इसका ना मीटर आप देख सकते हैं, डिजिटल मीटर है, आरपीएम मीटर होता है, डिजिटल मीटर है। आप ये देखिए लाइट्स भी ना चेंज होती हैं इस बार इसमें। दोस्तों हम जाते हैं बाहर तो हम इसी के लिए ही ना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट चीज लेके आए। जैसे आपकी अब इसका ना कलर लाइट ब्लू है तो इसके साथ इसको ये मैच करने के लिए आप इसमें ये भी ना कर सकते हैं। अगर रेड कलर होगा तो आप ये रेड कलर भी आप कर सकते हैं, आपको जो भी ना कलर है वो आप कर सकते हैं। इस बार ये हम चीज लेके आए। इसके साथ साथ इसमें पार्किंग लाइट है, चारों आपके इंडिकेटर्स इसमें ना जल जाएंगे, आप देख सकते हैं पार्किंग लाइट है। दोस्तों ये सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है। 7 लीटर का पेट्रोल का टैंक है। एवरेज इसकी 20 से 25 की आती है, 300 सीसी के हिसाब से 20 से ना 25 की एवरेज बहुत ही बढ़िया एवरेज है। बहुत ही बढ़िया शानदार इंजन है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। वो मैं आपको टेस्ट भी करके ना दिखाऊंगा कि इसमें कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आती है बिल्कुल भी। दोस्तों देखिए, अलॉय व्हील एग्जॉस्ट पाइप्स हैं और दो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं। दोस्तों फाइबर की बॉडी इस बारी बहुत बढ़िया है, फाइबर की ना बॉडी आपने देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बॉडी है। ये देखिए इसका आप ये सीट कितनी अच्छी है, मतलब एकदम आप कहें फॉर्म वाली गद्देदार सीट है। इसका वेट कैपेसिटी है 400 kg। मैं एक ब्रीफिंग आपको लास्ट में भी ना दे दूंगा सारे के सारे इसकी, तो आप प्लीज ये वाला वीडियो आखिरी तक देखना, ताकि मैं जो अगर चीज मेरे से रह जाएगी भूल जाऊंगा तो मैं आपको वो आखिरी में बता दूंगा। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, सीट में बैठ के पीछे दो लोग आराम से ना बैठ सकते हैं, और फिर ये पीछे अब इसमें सीट रेस्ट भी है। जैसे पिछली बार ही ना होता था कि पहले कि भाई ये थोड़ा सा पीछे वाले को कंफर्टेबल नहीं होता था, इस बारी ये सीट में हमने ये बना रखा है। ये आप अच्छे से आप ये पीछे बैठ जाएगा, बैलेंस भी अच्छा ना रहेगा इसमें, बैलेंस अच्छा आएगा। ये आप लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, दिस इज डिटैचेबल। ये आप लगा भी पाओगे, निकाल भी पाओगे दोस्तों इसको ना आराम से, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। दोस्तों ये ऑटोमेटिक, एक बैक गियर, एक न्यूट्रल, एक आगे का गियर। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका आपको आवाज सुनाने की ना कोशिश करता हूं। दोस्तों बुलेट वाली आवाज है जो पहले होती थी, बुलेट वाली बढ़िया आवाज है, मजा आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, पावर देखिए गाड़ी की। आपने ना आवाज सुनी होगी, बंद इस वजह से नहीं करी है क्योंकि मेरी फिर आपको आवाज नहीं आएगी। दोस्तों पावर देखिए गाड़ी की, पावर कितनी ही है कि हल्की सी भी ना रेस दो एकदम से ना जाती।